हेलो एवरीवन, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी एक सिलाई का पैटर्न लेकर आई हूँ, वन रो पैटर्न, जिसे हमने तीन सीधी उल्टी सिलाई के बीच में रिपीट करना है। तो देखिए, इसके लिए हमने थ्री के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं, प्लस टू स्टिचेज एक्स्ट्रा लेंगे, तीन के मल्टीपल में फंदे और दो फंदे एक्स्ट्रा। तो जो फर्स्ट रो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी, इसमें हमने सारे फंदों को सीधा बुन लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल 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 भी नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए, हमने ये फर्स्ट रो सीधी बुन ली है। अब जो सेकंड रो है, इसमें हमने सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है, रॉन्ग साइड है, तो सारे फंदे हम उल्टे बुनकर ये रो कम्प्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये सेकेंड रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो में हमने पैटर्न बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो तीन फंदे हैं, जो तीसरा फंदा है, थर्ड स्टिच है, उसे हम पहले बुनेंगे सीधा ऐसे, और ये एक लॉन्ग लूप, बड़ा सा लूप इस तरह से निकाल लेंगे। अब इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे, वन टू, और क्योंकि इस फंदे को हम बुन चुके हैं तो ऐसे ही हम इसे गिरा देंगे। तो ये तीन फंदों के हमने तीन फंदे बना लिए, यही तीन फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। पहले तीसरा फंदा बुनेंगे, फिर दो फंदे ये वाले बुनेंगे ऐसे, पहले तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये दो फंदे बुनेंगे। तो इस तरह से रिपीट करते हुए लास्ट में हमारे पास एक फंदा रहेगा जिसे हमने सीधा बुन लेना है। तो थर्ड रो ये हमारी कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो में हमने इन सारे फंदों को उल्टा बुना है। देखिए, जो लूप है इसे भी हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, तो ये पूरी रो हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो हमने उल्टी बुन ली है। फ्रेंड्स, यही जो चार रोज हैं, अब हम एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनेंगे, यानी हमने वन टू फोर रोज को बार बार रिपीट करना है। एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनने के बाद हमने फिर से एक फंदा स्लिप करके यही तीसरा फंदा फिर से बुनना है, फिर ये दो फंदे बुनेंगे। तो ये लूप्स हमारे एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे, और देखिए जब इस पैटर्न को हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से चलेगा। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बेबी सेट के लिए, ब्लैंकेट के लिए। ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से दिखता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।